चैनल। आज के इस वीडियो में हम ट्राइकोन ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं। ट्राइकोन जो है वो बहुत ही मतलब एक अच्छी ब्रांड है और वो हमें स्किन हेयर एंड हेल्थ के लिए सारी ही चीज़ें प्रोवाइड कराती है। तो आज मैंने उनमें से तीन चीज़ें परचेज की है। एक तो है फेस वॉश, दूसरा जो है वो डे एंड नाइट क्रीम, एंड थर्ड वन जो है वो है बॉडी योगर्ट। इससे पहले भी बहुत टाइम से मुझे बॉडी योगर्ट मतलब परचेज करना था और ट्राई करना था, बट मैं कर नहीं पाई। तो फाइनली मैंने सोचा कि कुछ नई प्रोडक्ट लेते हैं, उसे मतलब ट्राई करते हैं और उसका ऑनेस्ट रिव्यू मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। सो आज के इस वीडियो में देखते हैं सारी ही प्रोडक्ट्स को और एंड में मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आज की हमारी सबसे पहली जो प्रोडक्ट है वो है ट्राइकोन फेस वॉश। ये जो फेस वॉश है वो है एल ग्लूटाथियोन फेस वॉश और इसमें यूज़ हुआ है विटामिन सी एंड बेरी एक्सट्रैक्ट। कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में ये मुझे रिसीव हुआ है। बहुत ही क्लासी इसका बॉक्स बनाया गया है। अंदर से खोलते ही हमें कुछ ट्यूब काइंड में इस तरीके से मिल जाता है। नाउ ये जो फेस वॉश है वो स्पेशली यूवी राइज के लिए बनाया गया है। बाहर जाते हैं फिर बहुत ज़्यादा धूप में हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, तो यूवी राइज की वजह से स्किन को जो डैमेज होता है उसे बचाने के लिए ये वाला जो फेस वॉश है वो बनाया गया है। अगर आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन है, स्कार्स है और हाइपर पिगमेंटेशन है, फिर भी ये फेस वॉश बहुत ही अच्छे से उसके ऊपर वर्क करता है। नाउ ये जो फेस वॉश है वो मतलब हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उसके जो स्किन होती है उसे ये रिपेयर करता है और चेहरे को और स्मूथ बनाता है और हमें पूरा ही एक अच्छा सा टेक्सचर देता है, इवन टोन देता है, ग्लोइंग स्किन देता है। तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है और इसमें यूज़ हुआ है विटामिन सी एंड बेरी एक्सट्रैक्ट। नाउ प्राइस की बात करूँ तो ये 495 रुपीज़ का है। यहाँ पर हमें 100 ग्राम तक मिल जाता है। ये यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, यानी कि इसे दोनों ही मेल फीमेल दोनों ही इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि ये वाला जो फेस वॉश है उसे मैं डेली यूज़ कर रही हूँ, 2 times मतलब मॉर्निंग एंड इवनिंग में। और मेरे चेहरे पे भी थोड़े थोड़े से पिंपल्स के स्कार्स है वो धीरे धीरे मुझे मतलब कम हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। सो अगर आप एक अच्छा सा फेस वॉश ढूंढ रहे हैं तो इसमें ज़रूर मतलब इन्वेस्ट करें। आगे मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कैसा है और यूज़ करके भी दिखाती हूँ कि रिज़ल्ट जो है वो कैसा मिलता है। आज की हमारी दूसरी जो प्रोडक्ट है वो है एल ग्लूटाथियोन डे एंड नाइट क्रीम। ये भी मतलब बहुत ही इसकी जो खुशबू है, पैकेजिंग है, वो भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। सबसे पहले तो आप पैकेजिंग देखिए, एकदम ही क्लासी सी डिब्बी में हमें ये मिला है। ये कांच का बोतल है और ट्राइकोन ने बहुत ही अच्छा इसका मतलब इसका जो लुक है वो बहुत ही क्लासी बनाया है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका कलर एंड इसका लुक, पर इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसका टेक्सचर कैसा है, ये हमारे स्किन पे कैसे वर्क करता है। सो सबसे पहले तो इसमें भी यूज़ हुआ है विटामिन सी और बाकी ये जो है वो वाइटनिंग एंटी एजिंग क्रीम है, यानी कि आप बढ़ती उम्र के साथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसे डे एंड नाइट क्रीम बोल सकते हैं, सुबह यूज़ कर सकते हैं, शाम को सोने के वक्त यूज़ कर सकते हैं। इसे भी यूवी रेज के प्रोटेक्शन के साथ बनाया गया है और ये भी हमें ग्लास स्किन देने में मतलब हमारी मदद करेगा। ये जो है वो थोड़ा सा महंगा है। ये इतनी सी डिब्बी जो है इसमें लिखा भी गया है कि आपको सबसे पहले चेहरे को क्लीन कर लेना है, उसके बाद ये वाली क्रीम को लगाना है और अपवर्ड डायरेक्शन में, सर्कुलर मोशन में, अपवर्ड में आपको थोड़ी सी मसाज करनी है और ऐसा आपको मॉर्निंग एंड नाइट 2 times में करना है। इससे आपको ग्लोइंग स्किन मिलेगा, एंटी एजिंग क्रीम भी है ये और साथ ही में ये हमारे मतलब स्किन को एक अच्छा सा ग्लो देगा, टेक्स्चर देगा, क्योंकि इसमें यूज़ हुआ है विटामिन सी। नाउ सबसे पहले तो अगर प्राइस की बात करूँ तो ये वाली जो डिब्बी है वो 995 रुपीज़ की है। इसकी साइट पर कुछ कुछ मतलब ऑफ चलते रहते हैं, तो आप चेक करेंगे तो आपको ये थोड़ी सी मतलब सस्ते में भी मिल सकती है, बट ओरिजिनल प्राइस जो है वो 995 रुपीज़ की।
होती है, इसमें हमें सिर्फ 50 ग्राम ही मिलता है। अगर आप मतलब पहले से ही कॉस्मेटिक का यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि डे एंड नाइट क्रीम जो होती है वो कॉस्टली ही रहती है, तो उस हिसाब से इसकी जो प्राइस है वो बिल्कुल ही सही है। मतलब ज़्यादातर डे एंड नाइट क्रीम्स जो है वो थोड़ी सी महंगी रहती ही है, और इसका जो रिजल्ट है वो भी लाजवाब है। आप इसे एक बार यूज़ करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। मैं कुछ दिनों से इसे यूज़ कर रही हूँ। आई थिंक अगर आपकी एज 30+ है फिर तो आपको ये डे एंड नाइट क्रीम यूज़ करना ही चाहिए। बाकी ये जो है ब्रांड यहाँ पर 3 चीज़ों का दावा करती है। एक तो ये स्किन वाइटनिंग के लिए बनाया गया है, दूसरा ये एंटी एजिंग क्रीम है, एंड तीसरा कि ये हमें एक ग्लास स्किन प्रोवाइड कराता है। यस, हम हर किसी की चाहत होती है कि हमारी स्किन जो है वो ग्लास स्किन हो, ग्लोइंग स्किन हो। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई चाहत है तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें। सो अब बात करते हैं आज की हमारी आखिरी प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि बॉडी योगर्ट के बारे में। ये हमें कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में मिली है, और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा यहाँ पर सनफ्लावर ड्रॉ किया है कि इसमें, क्योंकि इसमें यूज़ हुआ है सनफ्लावर का ऑयल। ये भी स्पेशली बनाया गया है हमें अल्ट्रा वायोलेट रेज से बचाने के लिए, और बाकी इसका एक और पर्पस है कि ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करता है एक लंबे समय के लिए। यस, ज़्यादातर क्या होता है कि मॉइस्चराइजर लगाने के बाद 3 से 4 घंटे में ही हमारी स्किन वापस से ड्राई हो जाती है, तो ये जो क्रीम है वो दावा करती है कि आपकी स्किन 24 घंटे तक मतलब मॉइस्चराइज लगेगी ये लगाने के बाद। ये वाली जो प्रोडक्ट है वो यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, ऑल स्किन टाइप्स के लिए इसे बनाया गया है। खोल के देखते हैं कि अंदर से ये कैसा है। तो कुछ इस तरीके की डिब्बी में हमें ये रिसीव हुआ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सनफ्लावर बनाया गया है। नाउ बॉडी क्रीम को आपको सुबह मतलब नहाने के बाद अच्छे से चेहरे को फेस को साफ कर लीजिए, और उसके बाद इसे लगा देना है। इसमें SPF भी आपको मिल जाता है, यानी कि ये यूज़ करने के बाद आपको सनक्रीम का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ही SPF इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये मॉइस्चराइज़र प्लस SPF क्रीम है, और इस बॉडी योगर्ट को आप अपने बॉडी के बाकी के पार्ट्स, यानी कि एल्बो अगर काला हो गया है तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, अंडर आर्म्स पे यूज़ कर सकते हैं, अगर बिकिनी का एरिया बहुत काला है तो आप वहाँ पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। बट जब भी आप इसका यूज़ करें ख्याल रखें कि इसके चेहरे पे, आईज़ पे ये ना जाए, और बच्चों से इसे दूर ही रखें। बाकी अगर प्राइस की बात करूं तो ये वाली डिब्बी जो है वो हमें मिलती है 595 रुपीज़ में ये हमें मिल जाता है। यहाँ ये जो डिब्बा है वो 200 ग्राम का है। इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही लाजवाब है, और सच में ये लगाने के बाद 24 आवर्स तक हमारी स्किन बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं करती है। ये हमारे जो कोलेजन होते हैं स्किन में उस पर ये थोड़ा सा वर्क करता है, और इससे हमारी स्किन जो है वो थोड़ी सी ग्लोइंग सी लगती है, फॉर्म सी लगती है, एंड एकदम ही मतलब स्मूथ सा टच हमें स्किन में फील होता है। सो अगर आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हैं विथ SPF, और वो भी दावा करने वाला कि 24 आवर्स तक आपके स्किन पर वर्क करने वाला है, साथ ही में ब्रांड यहाँ पर और 2 चीज़ों का दावा करती है कि ये हमारी स्किन को वाइट बनाता है, और यहाँ पर SPF 15 भी हमें मिल जाता है। तो आप अगर ये वाला क्रीम यूज़ करना चाहते हैं तो मैं सारी ही लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आप इजीली वहाँ पर जाकर इसे परचेज कर पाए। तो अब बात करते हैं ओवरऑल मतलब सारी ही प्रोडक्ट्स कैसी लगी और आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सो यस यस, मेरे तरफ से बिग थम्स अप है। ये तीनों ही प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी है, इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट्स है। ज़्यादातर प्रोडक्ट्स तो मतलब सभी अच्छी होती है, बट स्किन पे हमें एक रिजल्ट मिलना चाहिए, तभी जाकर हमने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो मतलब सही मायने में हमने खर्च किया है। तो ये सारी ही प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद मुझे अपने चेहरे पे वो एहसास फील हुआ कि नहीं, ये सारी ही प्रोडक्ट्स वर्क कर रही है। सो अगर आप अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो इसमें जरूर इन्वेस्ट करें। तो ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद रखती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, यूजफुल रही होगी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बट तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।